अजब गजब घर जमाई। मौसा जी, मुझे भी डांस करना है। डांस आता है आपको? हाँ मौसा जी। करके दिखाओ फिर। ओए 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 ओए, गिर जाती अभी पागल है। सॉरी। कोई बात नहीं, बैठ जा इधर। मतलब आप चोट लगने का बहाना कर रहे थे चिंटू जी, है ना? चिंटू जी, आपको नहीं पता लेकिन आपके इस बहाने ने ना हमारे दिल में कितने ही सैड सॉन्ग्स की सीडी ऑन कर दिए। चिंटू जी, आपने हमसे झूठ कहा, हमसे? आपको तो पता था ना चिंटू जी, हमें आपके साथ डांस करने का कितना मन था। आपने ऐसा क्यों किया चिंटू जी? हम सीरियल की बहू की तरह पूछते हैं 3 बार, क्यों क्यों क्यों? बार्बी डॉली, सॉरी, मैंने आपका दिल दुखाया है। आपका मन था ना डांस करने का, तो डांस करूंगा मैं भी 3 बार कहता हूँ, करूंगा करूंगा करूंगा। सच? हाँ, सच। डांस करेंगे। वैसे साड़ू भाई, मेरे सामने बड़े बड़े खिलाड़ी मैदान छोड़कर भाग जाते, किसी का आंगन टेढ़ा हो जाता है तो किसी का पांव। और वैसे भी आप तो इस खेल के खिलाड़ी भी नहीं हो। सच कहता हूं भाई, मुझे इनसे बड़ी सिंपैथी है। सिंपैथी नहीं जीजू, एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, पता नहीं किस दवा ने ऐसा असर किया है कि चिंटू जी के पांव एकदम ठीक हो गए और अब मेरे चिंटू जी कोई भी सॉन्ग पे डांस कर सकते हैं, है ना चिंटू जी? तैयारी तो पूरी कर ली है, थोड़ी बहुत कमियां हो जाएंगी सब। नानी जी, एक बात बताइए, घर में जो मुकाबला हुआ था उसमें मैं ही जीता था ना? हाँ, क्योंकि तुम तो अकेले थे, चिंटू के तो पैर में चोट लग गई थी। नानी जी, मेरी ये जीत वर्षों की तपस्या का परिणाम है। मुझे पूरा यकीन है कि आप अपना फैसला नहीं बदलेंगी। हम क्यों बदलेंगे अपना फैसला भाई? क्योंकि नानी जी, रासलीला में मैं भी भाग ले रहा हूँ। अरे पर तुम्हारे पैर में तो चोट लगी थी ना चिंटू? ठीक हो गया नानी जी, डॉली जी ने पता नहीं कौन सा जादू चलाया, अब तो लग ही नहीं रहा कि पैर में कभी चोट भी लगी थी। अरे वाह। अब इसका क्या फायदा साड़ू भाई, रेस तो खत्म हो गई। अब अगर आपके पैर की चोट ठीक भी हो गई तो इसका क्या मतलब है, मैं तो जीत ही गया ना। और नानी जी के आशीर्वाद से उस महा मुकाबले में मैं ही हिस्सा ले रहा हूँ। महान, एक बात बता, क्या तुम्हारी ये जीत शक्तिशाली खानदान की जीत से बड़ी है क्या? नहीं नानी जी, मैंने ऐसा कब कहा? कहा तो नहीं, पर थोड़ा सोचो कि क्या होने वाला है कल। डांस कंपटीशन, जिसमें डांस करना पड़ेगा। तुम्हें आता है डांस? नहीं ना, तो तुम वहां डांस करके हमारे परिवार का मजाक बनाना चाहते हो? लोग ये कहे कि मथुरा वालों को रासलीला आती नहीं है। नहीं, हाँ तो फिर नाचने दो चिंटू को। बोल तो दिया मैंने नाचने के लिए, पर करूंगा कैसे? आप करें तो रासलीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। हम भी देखते हैं साड़ू भाई कि आप महा मुकाबले में डांस कैसे करते हो। अजब गजब